खबर आई कि यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से रूस और भारत के बीच कारोबार में बड़ा उछाल आया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि भारत में रूस से होने वाला इंपोर्ट तो 3 गुना बढ़ गया, लेकिन भारत से होने वाला एक्सपोर्ट लगभग ठप हो गया, जिसकी बड़ी वजह कच्चे तेल पर भारत से हुआ सौदा बना। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी किल्लत होने की आशंका की वजह से देश में इंपोर्ट बढ़ गया। कच्चे तेल के अलावा भारत में कोयले का भी बड़े पैमाने पर इंपोर्ट हुआ। दूसरी तरफ भारत से रूस को होने वाला एक्सपोर्ट काफी कम हो गया। दावा यह है कि रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से पेमेंट का सिस्टम बिगड़ गया। मतलब यह कि रूस की कंपनियां डॉलर में पेमेंट करने में नाकाम रहीं और पेमेंट का नया सिस्टम नहीं बन पाया, इसीलिए रूस में अपना सामान भेजने वाली भारत की कंपनियों ने एक्सपोर्ट रोक दिए। खबर है कि 24 अप्रैल से 8 मई के बीच के 1.5 महीने के दौरान रूस से भारत में होने वाला इंपोर्ट 3 गुना बढ़ गया। इस दौरान रूस से होने वाला भारत का कुल इंपोर्ट $4.5 बिलियन मतलब करीब 36,000 करोड़ रुपए का रहा, जबकि 2021 के इसी 1.5 महीने में यह आंकड़ा करीब $1.5 बिलियन ही था, भारतीय रुपयों में करीब 11,000 करोड़ रुपए। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा है कच्चे तेल का। पहले कभी भी भारत रूस से कच्चा तेल बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लेता था। पिछले साल इस 1.5 महीने में भारत ने $377 मिलियन यानी करीब 3,000 करोड़ रुपए का तेल लिया, जबकि इस बार $85 करोड़ मतलब 14,000 करोड़ रुपए ये रहा। लेकिन एक्सपोर्ट जो पिछले साल इस 1.5 महीने में $62 करोड़ से ज्यादा का रहा था, वो गिरकर केवल $26 करोड़ पर आ गया। मतलब रुपए में कुल एक्सपोर्ट करीब 4,500 करोड़ से गिरकर 2,000 करोड़ पर पहुंच गया। सबसे बड़ा असर दवाओं और मेडिकल उपकरणों के उद्योग पर हुआ, जिसका एक्सपोर्ट पिछले साल $10 करोड़ मतलब 770 करोड़ रुपए रहा था, वो इस बार गिरकर $6 करोड़ मतलब 460 करोड़ रुपए पर आ गया।